बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से मिल रही है, जहां घने कोहरे के कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी और जिसमें बस में सवार एक यात्री की मौत की खबर है, जबकि 10 से 15 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ये बड़ा हादसा हुआ। कोहरा बहुत ज्यादा था और इस वजह से कंटेनर और बस की टक्कर हो गई। इसमें एक यात्री की मौत हो चुकी है। करीब 15 ये संख्या है यात्रियों के जो जख्मी बताए जा रहे हैं। लगातार कोहरे की वजह से अलग अलग जगहों की यही तस्वीर है। विजिबिलिटी चूंकि बहुत कम हो चुकी है, देखना बहुत मुश्किल हो गया है और इसी को लेकर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। और अब देखिए एक और खबर जिसमें गौतम बुद्ध नगर में कंटेनर और बस आपस में टकराई। ये उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बस यहाँ पर जब हादसे का शिकार हुई उसके बाद क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि बाद में जो पुलिस की टीम थी वो भी मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम यहाँ पर शुरू किया गया। 15 करीब यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें चोटें आई हैं, अस्पताल उन्हें ले जाया गया। एक यात्री की मौत की भी खबर इसमें मिल रही है। स्थानीय लोग भी अगर वहां पर थे तो जरूर वहां पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस की टीम आपको नजर आ रही होगी, मशक्कत जरूर करनी पड़ी क्योंकि ये हादसा इतना खतरनाक था, इतनी जबरदस्त ये टक्कर थी कि उस गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी सेला टनल पर न्यूज 18 पहुंच गया है। 13,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन ये सुरंग होगी। ये टनल चीन की सीमा के बेहद करीब है। सैन्य साजो सामान ले जाने में ये टनल गेम चेंजर साबित होने वाली है। बीआरओ की टीम तेजी से इस टनल का निर्माण कर रही है, जो कि अगले साल जुलाई महीने तक बनकर तैयार हो जाएगी। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में सुरंग सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में गेम चेंजर साबित होने वाली है। और 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बन रहे इस टनल के अंदर न्यूज 18 पहुंच गया है। चीन की सीमा के बेहद करीब से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आइस बॉक्स ऑफ इंडिया में है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हम सेला में है और तस्वीरें आप सेला टनल की देख पा रहे हैं। 13,500 फीट ऊंचाई पर ये देश की ऐसी टनल है जो एकमात्र इतनी बड़ी हाइट पर है। और इसे डुअल टनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो पैरेलल टनल्स यहां पर बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सामरिक तौर पर जब तवांग और वेस्ट के मांग जिलों को जोड़ती हुई ये टनल है, और एक टनल उस तरफ है और ये दूसरी एस्केप टनल पैरेलली यहाँ पर बनाई गई है। और ये सिर्फ संभव हुआ है बीआरओ की तरफ से। देखिए बीआरओ किस तरीके से संकल्पबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से लगातार एलएसी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि एक ऑल वेदर टनल इसे बनाया गया है। सामरिक तौर पर जब भी रोड कनेक्टिविटी की बात होती है या नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात होती है तो एलएसी यानी कि तवांग से एलएसी के लिए एकमात्र ये ऑल वेदर रोड रहने वाला है। और इससे सीधे तौर पर ना सिर्फ भारतीय सेना को सीधे तौर पर फायदा होगा, लेकिन आम जनता को भी सीधे तौर पर फायदा होगा। मैं अभी फिलहाल टनल के अंदर हूँ, टनल का तापमान -डिग्री में है, आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं इसे कह रही हूँ क्योंकि ये फ्रोजन जोन है। और इन्हीं परिस्थितियों में बीआरओ रात दिन 365 दिन लगातार संकल्पबद्ध तरीके से इस टनल को पूरा करने का काम कर रहा है। देखिए 2017 से इस पूरे टनल को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल की आधारशिला रखी। सेला सुरंग का निर्माण 317 किलोमीटर लंबी बीसीटी रोड पर किया जा रहा है। इसका निर्माण तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सेला टनल पर बर्फबारी का कोई भी असर नहीं होगा और ये हर मौसम में खुला रहेगा। हम फिलहाल टनल के उस छोर में हैं जहां पर देखिए आप किस तरीके से, क्योंकि निर्णायक चरण में है अब ये पूरा टनल का काम, और आप देख पा रहे होंगे आगे किस तरीके से फिलहाल कुछ ट्रक्स आपको नजर आ रहे होंगे। सीमेंटेड देखिए किस तरीके से पक्का किया जा रहा है, यहाँ पर आप बुलडोजर को देख पा रहे होंगे।
क्योंकि देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पूरी टनल को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ऑल वेदर टनल इसे बनाया जा रहा है ताकि बर्फ हो, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, उस वक्त इस टनल का इस्तेमाल ना सिर्फ भारतीय सेना कर सकती है, इसके अलावा आम जनता के लिए भी इस टनल को इस तरीके से बनाया गया है ताकि सीधे यहाँ से यानी कि तवांग से एलएसी तक किस तरीके से तमाम भारतीय सैनिकों की पहुंच सीधे तौर पर और पहुंच सके, उसके लिए सबसे फायदेमंद आप इस टनल को देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीआरओ की तरफ से किया जा रहा है और संकल्प है कि अगले साल तक यानी कि 2023 तक इस पूरी टनल का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2019 से इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है। ये आप एस्केप टनल की कुछ तस्वीरें भी देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से पैरेलली इस एस्केप टनल को भी बनाया गया है। अभी थोड़ा काम यहाँ पर चल रहा है लेकिन बेहद युद्ध स्तर पर बीआरओ की तरफ से इस पूरी टनल को बनाया जा रहा है। देखिए दो रास्ते भी यहाँ पर बनाए गए हैं, एक 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, एक 1.3 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, लेकिन ये दो टनल हैं यानी कि तवांग और केसोंग ज़िले के बीच की ये टनल्स हैं, दो टनल हैं जो पैरेलली बनाई गई हैं और यही वो टनल है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है सामरिक शक्ति के लिए। और रोड कनेक्टिविटी और जिस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी पर लगातार जोर दिया जा रहा था, क्योंकि एलएसी के आसपास के तमाम इलाके बॉर्डर इलाकेज जहां से भारतीय सेना सीधे तौर पर चीन को चोट कर सकती है,